প্যারেন্টস কে আনার কথা বললেই কিন্তু অনেক বাহানা শুরু হয়ে যেত, আহা মিলাবে তাতে আমি হচ্ছে, তারা সবাই আসলে এক জায়গায় সবাই উঠেছিল, তখন তো চিরকুটের দিন শেষ। এখন এখন অনলাইন এক্সাম নকল করার চেষ্টা করে। আশিস চাঞ্চলানির এই ভিডিওটি কিছুদিন আগে বের হয়েছে, আর ভিডিওটি আমরা পরে দেখেছি এবং দেখে খুব ভালো লেগেছে, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমি দেখিনি তো, এখন দেখে নিবে। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। छुटकारा मिलेगा। अभी तक तो सिर्फ 3 इंच घुसाया, बाकी का 1 सेंटीमीटर चलेगा सर, घुस गया। अबे ओ राधे के आधे, मैं और फैन नहीं करने वाला हूँ, समझा? पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी, दर्द आपको क्यों हो रहा है? अबे आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। चलो ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। सेट अप पंक स्टूडेंट में हूं। देखो सर, ये डाउट आप अभी क्लियर कर दो, आपके मम्मी पापा के सामने ना फिर क्या इंट्रोड्यूस करने में इजी होगा, कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। तेरा बाप लेट क्यों हो गया है? वो पापा जूते पहन रहे। जूते पहन रहे ऑनलाइन मीटिंग के लिए? हां लेट हो गए इसलिए रनिंग शूज पहन के भाग के आ रहे। दो लोग की सीट पे अकेला बैठेगा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आपकी महान औलाद की करतूतों की वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। ऑनलाइन इतना महान है आपका बच्चा। शाबाश शाबाश। अरे शाबाशी क्या दे रहे हैं आप? पीठ पे नहीं गाल पे शाबाशी दो। अच्छा शाबाश। पता नहीं संत ने राक्षस को कहां से पैदा कर दिया। सर मैं आपको क्या बताऊं, आपका बेटा क्या करता है, ये और इसका फ्रेंड रोहित प्रेजेंट सर, और इसका दूसरा दोस्त अनमोल प्रेजेंट सर। देखा आपने, नाम लेता हूं नहीं कि पहले प्रेजेंट होता है। अबे ये पेरेंट टीचर मीटिंग है, इसमें तो प्रॉक्सी मत मार। आधा टाइम तो ये प्रॉक्सी मारते हैं, और गलती से कभी हमारे लेक्चर में आ भी गए तो आपको पता है क्या करते हैं? अच्छा सुनो, अभी अटेंडेंस ले रहा हूं, और म्यूट करके प्रेजेंट मत बोलना नालायको। रितेश प्रेजेंट सर। पारस प्रेजेंट सर। ग्रीष्म प्रेजेंट सर। लौड़ा लसन पंक। लौड़ा लसन ये भी कोई नाम है? अरे सर आपने चश्मा नहीं पहना था, लगता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं। वो लौड़ा लसन नहीं, कड़वा जशन था सर। कड़वा जशन, ये कैसा नाम है? अब भड़वा तो रख नहीं सकते। पंक चुप। सर बदतमीजी ना, इसलिए तो कड़वा नाम रखा। देख रहे हो ये कैसे बात करता है? सर की जबान ना बहुत कड़वी है। चुप एकदम चुप, मुझे गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा मुंह पे कोई देते गाली ऐसे? सॉरी पापा, मन में से। ओके पापा। पंक आशीष ये क्या पागलपन है? अरे कहाँ गए? पूरा टाइम ऑनलाइन मीटिंग में बैठा कर सर। अरे ये तो थानोस का भी बाप है, वो चुटकी बजाता था तो आधे लोग गायब होते थे, ये चुटकी बजाता है तो सब मात बंद करके निकल जाते। क्यों रे, क्यों बजाता है इतनी चुटकी? क्यों बजाता है इतनी चुटकी, छोटा भी मैं तू बाप ये क्या करेगा? कंक नारामियों के साथ मेरी जबान भी गंदी हो गई है,
और सुनो, इसके कारनामे बताता हूँ आपका जो महान साइंटिस्ट बेटा, जब भी लेक्चर में आता है कभी इसका वीडियो चालू होता है तो ऑडियो चालू नहीं होता, ऑडियो चालू होता है तो वीडियो चालू नहीं होता, जब दोनों चालू रहते तो उसके सर से खून निकलता है। सर से खून? हाँ, और मैं से पूछता हूँ खून क्यों निकल रहा है तो बोलते हैं सर सामने वाले ने पत्थर फेंक के मारा। मैं पूछता हूँ पत्थर क्यों फेंक के मारा, बोलते मैं लैपटॉप चोरी करके लाना। क्यों रे, लैपटॉप क्यों चोरी करके लाता है तू? सर पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेरा पढ़ के फायदा भी क्या? हाँ सर, आपका ये बेटा लेक्चर में काम वाली भाई को मास्क बना के बैठा था और खुद पीछे सोया रहता है। सर पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की नहीं सिर्फ मास्क की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट। अबे ओ मिलीमीटर सेंटीमीटर, इसकी वजह से वो काम वाली भाई मेरे घर पे लेट आती है और से पूछता हूँ कि लेट क्यों हुई है तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा तो भी बढ़ेगा इंडिया। आपको इसका एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं। नहीं सर प्लीज सर वो बात मत बताओ सर। द फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट सेटिस्फाई योर थर्स्ट एज मच एज द फर्स्ट ग्लास। सर सर कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे पीना भाई, तेरे को जितना पानी पीना है पी, हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अरे शांत हो जा सब, ये क्या पागलपन चल रहा है मेरे क्लास में। अरे ओ आशीष बस करना। सॉरी सर, सॉरी सर, बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे। ये बैकग्राउंड यूज करते हैं। अरे हंसना बंद करो, कैसे बेशरम लोग हो। आपको पता है ये पूरा दिन लेक्चर में कुत्तिया और चिल्लरों की बातें करते रहते हैं। अरे सर कुत्तिया और चिल्लर नहीं, डॉज कॉइन की बातें कर रहे थे हम। डॉज कॉइन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी सर। ए भाई कौन सी करेंसी आ रही है? नोट चेंज हो रहा है, नया नोट काला। अरे नहीं पापा, वो करेंसी की बात नहीं कर रहा, आजकल ना मार्केट में नई करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी। इसका जो भाव है ना ऊपर नीचे होता रहता है, और इसके लिए आपको एक बेस्ट ऐप बता रहा हूँ, कॉइन डीसीएक्स गो। अगर आपको ये क्रिप्टो कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एथेरियम खरीद या बेच सकते हो, इसमें जो सारे फंड्स है देयर इन शॉर्ट बाय बिटको। और आपको बेस्ट बात बताता हूँ, आप डाउनलोड करो, कूपन कोड लगाओ आशीष 100, आपको 100 रुपए देंगे। हाँ बेटा मैंने भी सुना है बिटकॉइन से, और तेरी कॉलेज में इज्जत दोनों काफी गिरी हुई है। आएगा सर ऊपर आएगा, जैसे आपकी और मीनाली मैम की चैट ऊपर आई थी ना वैसे ही। ओह नो, सर मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें। एक तो लेक्चर में आते नहीं है, ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी, साला मेरे बेटे को घूस देके मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी इन हरामियों ने। तो सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना, काबू में रखो उसको। आपके बच्चों से। अरे ये लोग ऐसे हरामी है, उस दिन मैं लेक्चर दे रहा था, मेरी बीवी ने बीच लेक्चर में चिल्लाया सुनो जी शीला जी आ रही है, इन हरामियों को सुनाई दिया शीला जी आ रही है सर के घर पे, शीला जी आ रही है। ये क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल कर देगी, सर के घर पे शीला जी आ रही है। अरे पापा इट इज नायग्रा बट विद अ वी, लाइक नायग्रा फॉल्स बट दिस डज नॉट फॉल्स, दिस इज ओनली टॉल्स, फुल टॉल्स। अरे पापा ये लेने के बाद 6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते, ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे फिर चिल करेंगे। अरे इसके बाद मिथुन दा ग्रैंड सल्यूट देते। अरे पापा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो क्या पंखे की तरह घूमना है। अरे ओ बस कर और कितने एग्जांपल देगा, हो गया समझ गया भाई। पहली बार देखा है बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। आपको देना चाहिए अपने लड़के को, इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ, साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है, इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी ओएलएक्स पे, वो फोटो यूज करके। वो लोग कितना भड़क गए मालूम है, एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया, एक आदमी स्टीयरिंग लेके आज तक मैंने गोला बना रहे, एक आदमी इंजन लेके भाग गया करने का जूस निकाल रहा है। अरे एक आदमी को तो मैंने उस दिन वाइपर से अपनी पीठ खुजाते देखी। ऐसे हरामी लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में, क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अभी ये कौन सा विमान है, 5 टायर है? अरे स्टेफनी भी तो लेके गए, जैक तो पड़ा होगा ना, देना। अरे कैसे हो आप बताओ, मुझे लगता है आपके साथ अलग एक पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना, इसके बेटे को 500 खर्ची भी देता, गाड़ी आके रोज साफ करता, नहीं की नहीं लाइफ टाइम।
अच्छी डील है वैसे, नॉट बैड। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो? आपको एक मेन के साथ पेरेंट्स मीटिंग भी दे रखा है। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे, मुझे सब पता चल जाएगा। तो अपनी कलाकारी यहाँ मत दिखा। और ये ऑनलाइन एग्जाम तो नालायकों, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थू है अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो। प्लीज चलो द एग्जाम। ঘরে বসে আছে সব একই জায়গা এক্সাম দে কেসে আরামি বচ্চে হো। साथ में बढ़ेगा ना इंडिया, साथ में बढ़ेगा इंडिया। नहीं सर वो नहीं, प्लीज सर, प्लीज सर। दो हफ्ते पहले मैं वैक्सीन लगवाने गया, तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी एक फोटो फेसबुक पे डाली। इन कुत्ती के बच्चों ने वो फोटो को लिया, मेरा फेस फोटोशॉप किया और हॉस्पिटल में एक आदमी के मुंह पे लगा दिया। और फिर फेसबुक पे मेरे नाम का फंडरेजर चला है। 1,00,000 रुपए जमा किए इन हरामियों ने मेरे नाम पे। 1,00,000 छी दिख सक्सटिंग पांक। और पता नहीं किस मनहूस बच्चे ने मेरा नंबर लीक कर दिया और ये बात फैला दी कि सर ऑनलाइन लेक्चर में सुपर चैट लेते। सुपर चैट? उस दिन मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था, बीच लेक्चर में एक बच्चा 200 रुपया जीपे करके बोलते हैं सर प्लीज टेक माय नेम। एक बच्चा 500 रुपया देके बोलते हैं सर प्लीज से मिनाली मैम आई लव यू। एक बच्चे ने तो हद पार कर दी, 2,000 रुपए बेच के बोलते हैं सर प्लीज कैंसिल द लेक्चर। मतलब मेरा लेक्चर कैंसिल करने का रेट 2,000 रुपए है। तो सर आप बताओ ना आपका रेट क्या है, जो रेट बोलोगे उसमें मान जाएंगे हम लोग। जिम खाने का 2,000 हराम खोरो ना, जिम पे बेचते हो ना खाना खिलाते हो, मैगजीन का 2,000। तो ये खेलते हुए लड़के की मैगजीन तुमने भेजी है इसको? कौन से खेलते लड़के की मैगजीन भाई, प्लेबॉय। अच्छा बेटा मतलब तुमने मैगजीन का बिल भी हमारे नाम पे फाड़ा है। ए, इस मैगजीन में नंगे लड़के लड़कियां क्यों होती है? पता है हमारा सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, इसमें क्या ऐसे कपड़े काटने रहते और जो भी ये नंगे पिक्चर है ना उसपे क्राफ्ट ऐसे चिपकाने रहते। आर्ट्स एंड क्राफ्ट चिपकाना, सही चिपकाया अपने बाप को। हाँ और सुन बस फीस साले, हॉल से संडास जाने का कौन सा बस लगता है बे? अरे सर वो बस फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि बस के ड्राइवर्स को फीस देते हैं हम लॉकडाउन में, वेजेस नहीं काट रहे। सुजा इच्छी टांग साले, बस का फीस बढ़ता है और जिसके ऑटो में स्कूल ट्यूशन कॉलेज गए हैं उसको पैसे नहीं देता है, हाँ? पागल समझा मेरे को, हाँ? हाँ? ये तेरा बाप नहीं है? कौन बाप? बाप को ये तो ढूंढने आया हूँ मैं, 4 दिन से घुमा रहा है मुझे। ये मेरे को बोलता है इधर आके बैठो, अंकल के सामने 15 मिनट हाँ हाँ करना, डबल पैसा दूंगा। दाढ़ी पे पाउडर वाउडर लगा के घर पे मेरे पानी नहीं है, 4 दिन से चुप करके बैटरी। ओह नो, तेरा चप्पा चप्पड़ मैंने बहुत सुना है, बिना मतलब अपने बेटे के लिए तो सुना नहीं है, मेरे बाप ने मेरे को सुना नहीं, तूने सुना है? तेरी को तुम मिल रस्ते में ऑटो से उठाऊंगा, तो ऑटो से तेरा तो मैं फर्नीचर उठा के जाएगा, तेरा टीवी उठा के जाएगा, बाद में आना मेरे घर पे टीवी लगाएगा अपने ऑटो में। अरे तू अभी जाया से नहीं जाएगा, मैं टीवी लेके जाएगा। हे भगवान कैसे कैसे बच्चे इस देश में, साला ऑनलाइन मीटिंग में भी नकली बाप लाए। सर मेरे बाप को दौरे पड़ते रहते, पिछले जन्म में ऑटो वाला था तो खूब बोलता रहता है सर। वाह बेटा वाह, अभी मैं तेरे को मौत प्रिंसिपल सर को कॉल लगाता हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज आई एम सॉरी सर, नहीं 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 नहीं, तेरे को दिखाता हूँ मैं कितना हेवी ड्राइवर हूँ। आसन में टकले सर, ये आशीष चंदलानी आपको टकला गया है सर? कैसे हरामी बच्चे बोलते सर, ऊपर भी विकपन थे नीचे भी विकपन थे। आई एम सॉरी सर प्लीज सर, नहीं सर ये पेरेंट टीचर मीटिंग में नकली बाप लेके आए। अरे नहीं सर इसके 2 बाप नहीं, एक ही बाप है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग में पागल बना रहे हमको। सर सर क्या कर रहे हो सर? আসলে অনেক মজা ছিল না, সেজন্যই আমি
প্রথমবার দেখার পরে মনে করলাম যে এটা আসলে শেয়ার করা উচিত সবার সঙ্গে। আর তুমি তো আজকে ফার্স্ট টাইম দেখলে। ফার্স্ট টাইম দেখলাম, আসলে ফানি ছিল অনেক। এখন যেটা হতো আগে নর্মালি প্যারেন্টসকে আনার কথা বললেই কিন্তু অনেক বাহানা শুরু হয়ে যেত না ছেলেমেয়ের, তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে মুভিতে বেশিরভাগ দেখা গেছে যে অন্যকে সাজিয়ে নিয়ে গেছে বাবা মা, কিন্তু বাস্তব লাইফে কিন্তু বাবা মাকে নিয়ে যাওয়াই লাগে, তখন কিন্তু অনেক সমস্যা। বাবা মা না হলে মামা বা চাচা এরকম কাউকে নিয়ে যাওয়া লাগে, তো তখন কিন্তু আসলে সমস্যায় পড়তে হয়। তো এখানে সে যেটা দেখাচ্ছে যে অনলাইনে সে তার প্যারেন্টসকে ডেকেছে কিন্তু প্যারেন্টস আসলে আসেনি। আশিস তার যে অটো ড্রাইভার আছে তাকে বসিয়ে দিয়েছে যে তার বাবা হিসাবে ওখানে, এবং প্যারেন্টস মিটিংয়ে টোটালটা বলেছে যে তুমি এখানে 15 মিনিট বসে হা হা মিলাবে, তাতেই আমি হচ্ছে তোমাকে পে করবো। হ্যাঁ, ডাবল পে করবে, কারণ সে তার কাছে আগে থেকেই টাকা পায়। তো সব মিলায় আসলে এখানে ফানি ছিল, অনেক ফানি ছিল। এবং আসলে এটা বাস্তবতা, ফানি বলতে যে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে এটা এখানে বাস্তবতা হচ্ছে এরকম যে এখন যে অনলাইন এক্সাম হচ্ছে কিংবা অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, এখানে যে স্টুডেন্টগুলো ফাঁকিবাজ এবং যারা দুষ্টামি করে সচরাচর ক্লাসে, তারা আসলে অনলাইন ক্লাসে এসেও দেখা যাচ্ছে সেম টাইপের দুষ্টামিগুলো করছে, দুষ্টামি করছে। এবং লাস্টে যেটা ফানি ছিল যে তারা এক্সাম দিচ্ছে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায়, মনে হচ্ছে যে তারা বিভিন্ন রুমে এক্সাম দিচ্ছে কিন্তু আলাদা বাসাতে এক্সাম দিচ্ছে, কিন্তু যখনই দেখা যায় যে বোতলটা ছুঁড়ে মারলো তখনই কিন্তু তার গায়ে লাগার সাথে সাথে টিচার বুঝতে পেরেছে যে তারা সবাই আসলে এক জায়গায়, সবাই উঠে পড়ে মারামারি শুরু করে দিয়েছে। এটা যেটা হচ্ছে যে অ্যাপগুলোর মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন থাকে, তাই সবাই তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে নিয়েছে, আর তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা আসলে আলাদা 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 জায়গা। হ্যাঁ, এটা আসলে খুবই ফানি ছিল, কারণ সবাই এক জায়গাতে বসেই পরীক্ষা দিচ্ছে। তো এসব চালাকি এখনকার ছেলেমেয়েরা অবশ্যই করে, আর বিভিন্ন চালাকি তো তারা ক্লাসরুমে বসেই করে, মোবাইলে অনেক কিছু। এখন তো মোবাইল অ্যালাও না, আগে কিন্তু অনেকেই সুযোগ খুঁজতো মোবাইলের মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার আগে যেমন চিরকুট ছিল, তখন তো চিরকুটের দিন শেষ এখন। আর অনলাইন এক্সামে যে চুরি করার বিষয়টা, আর নর্মালি ক্লাসে যখন এক্সাম হয় তখন হয়তো বা অনেকে ওই যে চিরকুট যেটা বললাম ওই ধরনের চুরি করতো। হ্যাঁ, তো এখন অনলাইন এক্সামেও সবাই নকল করার চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে অ্যাপসগুলো কিন্তু খুব অ্যালার্ট অ্যালার্ট, যে কারণে হচ্ছে তুমি যদি ব্রাউজার খোলো কোনো না কোনো, কিংবা কোনো একটা অন্য ওয়ার্ড অপশন কিংবা অন্য কোথাও থেকে বই দেখার চেষ্টা করো, তাহলে সেই অ্যাপ থেকে অটোমেটিকলি টিচারের কাছে নোটিশ চলে যাবে যে সে এই ধরনের অ্যাপ কিংবা এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করেছে। এটা একটা সুবিধা আছে। যাই হোক, যদি ভিডিওটি ফানি করার জন্য সে চেষ্টা করেছে, ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই ছিল এবং মজাদারই ছিল, এবং এর মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় জিনিসও ছিল। এখন প্যারেন্টসরা তাদের ছেলে মেয়েরা যে অনলাইন ক্লাস করছে এগুলোর ক্ষেত্রে যদি ভালোভাবে নজর দেয়, তাহলে কিন্তু এই ধরনের ভুল ত্রুটিগুলো তারা ধরতে পারবে এবং প্রপারভাবে যে অনলাইন ক্লাস সেগুলো হবে যদি প্যারেন্টসরা অ্যাক্টিভ থাকে বাসায়। আসলে কোভিডের কারণে যে প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে, এখন কিন্তু অনলাইন ক্লাসে সবাই ঝুঁকেছে, তো যার কারণে প্যারেন্টসদেরকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে, অনেক বেশি সচেতন হতে হবে যে তারা যে ক্লাসগুলো করছে আদতেও তারা কীভাবে ক্লাস করছে এবং ক্লাসগুলোকে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা। যেমন এখানে যেভাবে তারা ফাঁকি দেওয়ার বিষয়গুলো কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে, তো এই ধরনের আরও ছোটোখাটো ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা থাকে, এগুলো রাস্তা প্যারেন্টসরা যদি খেয়াল করে নজরদারি দিতে রাখে তাহলে সুন্দরভাবে সব কিছু হবে, আর যদি না করে তাহলে তো আসলে তারাও ফাঁকিবাজি দিয়েই সমস্ত কিছু এগিয়ে যাবে, তারাই আলটিমেটলি লুজার হবে। অবশ্যই, কেননা এখন অনলাইন ক্লাসে নর্মালি ক্লাসে গিয়ে যে ধরনের শিক্ষা নেওয়া হতো সেরকম হচ্ছে না, সো যতটুকু অনলাইন থেকে শেখা যাচ্ছে ততটুকু আসলে শিখে নেওয়া উচিত স্টুডেন্টদের। তো ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই ছিল, আমাদের কাছে ভালো লেগেছে, আশা করি আমাদের সাথে সাথে ভিডিওটি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।